बात बात पर जेठालाल से अपनी सैलरी बढ़ाने की बात कहने वाले नट्टू काका का किरदार निभाने वाले अभिनेता घनश्याम नायक अब शो में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि 3 अक्टूबर को ये 76 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अपने शो के जरिए घर घर में पहचान बनाने वाले इस एक्टर के निधन की खबर सुनकर जहाँ इनके फैंस को झटका लगा है, वहीं पर इनका परिवार भी इनके जाने के गम में डूबा हुआ है। अब इनके परिवार वाले इनसे बेहद जो प्यार करते थे, पर ये भी उनसे कम प्यार नहीं करते थे। इसलिए तो भले ये इस दुनिया से चले गए हो, पर अपने परिवार के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं। जी हाँ, करोड़ों की प्रॉपर्टी, जिसकी कीमत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो हैरान होने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज की इस वीडियो के जरिए हम आपको यही बताने वाले हैं कि अपनी फैमिली के लिए कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं घनश्याम नायक। नट्टू काका बनकर पिछले काफी सालों से दर्शकों का दिल जीतने वाले घनश्याम नायक जितने अच्छे कलाकार थे, उतने अच्छे एक फैमिली मैन भी थे। पर इनके कैंसर से पीड़ित होकर इस दुनिया से अलविदा कह जाने के बाद इस फैमिली मैन को इनकी फैमिली बहुत याद कर रही है, जिनमें इनकी वाइफ निर्मला देवी, बेटे विकास और 2 बेटियां भावना और तेजल है, जो अपने पिता और पति के जाने के बाद काफी उदास है। पर इनका ये परिवार ऐसे उदास ना रहे, इसके लिए अपने परिवार के लिए करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़कर गए हैं। आपको बता दें कि तारक मेहता शो ने इन्हें शोहरत और दौलत दोनों दिलाई है, इसलिए तो इन्होंने मुंबई के जुहू जैसे इलाके में 2 घर बनाए, जहां एक घर 3 BHK के लग्जरी फ्लैट में है, जिसमें सभी सुविधा है, इसलिए इसकी कीमत भी करीब 5 करोड़ रुपए है। वहीं इनका दूसरा घर 5 BHK का है, जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए है। इस तरह इन्होंने 12 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई थी। पर इनके परिवार के लिए प्रॉपर्टी कोई मायने नहीं रखते, ये मायने रखते हैं। जिनके लिए हो सके तो भगवान से भी वो लड़ जाएंगे, पर ये भी सच है कि ये अब वापस नहीं आ सकते, इसलिए ये जहाँ भी रहे बस खुश रहे, यही अब भगवान से प्रार्थना है। तो दोस्तों, आपको घनश्याम नायक की एक्टिंग कैसी लगती थी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।